नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई में रहते हुए, यूएई में रहते हुए क्या आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब करने के कैसे कर सकते हैं, क्या आपको प्रोसेस करना होता है। पहला, जो आप जिसके पास पहले से काम कर रहे हैं, आपका मूल, आपकी कंपनी, आपका नियुक्ता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वो फिर उसको लगता है कि यार ये तो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो क्या आपकी सैलरी कम कर सकता है। इससे रिलेटेड हम पूरी डिटेल से बात करेंगे भाई। वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें, ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर ले। पहली बात तो यार, ये थोड़ा सा सुनने में ऐसा लगता है कि यार पार्ट टाइम, क्योंकि गल्प देशों में 99% ऐसा ही होता है। आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं, आपका नियुक्ता, आपका मालिक, कंपनी, सिर्फ वहीं तक है। काम है तो ठीक है, ओवर टाइम नहीं है तो ठीक है, आप बैठे रहेंगे। और जाने वाले लोगों की ये सिचुएशन है, लेकिन आपको ध्यान में रखना चाहिए कि भाई दुबई में ये एक्ट बना हुआ है, जी हां, कि आप मूल नियुक्ता के पास जॉब करते हुए, अपनी कंपनी में जॉब करते दूसरी जगह आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। जी हाँ, पूरी विथ एविडेंस आपसे बात करेंगे, कानून के हिसाब से बात करेंगे। आपको लगता है कि आपके आपके पास भी पार्ट टाइम में जॉब करने का ऑफर है, तो आप थोड़ा वहां पे सर्च कर लीजिए इसके बारे में। और आपका ये मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा हूं भाई, पूरा लीगल प्रोसेस होगा कानूनी रूप से। जी हाँ, कैसे होगा मैं बता दूं। अगर आपको लगता है कि भाई चलो आप एक इस आदमी के पास काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपको ओवर टाइम दे रहा है, यानी पार्ट टाइम इसके पास 2 घंटे काम करना चाहते हैं, अब आपको ये लगता है कि यार ये 8 घंटे के जितना पैसा दे रहा है ना, ये आपको 2 घंटे में उससे आधे पैसा मिल रहा है आपको, ठीक है। आदमी बाहर जाता है तो कमाने के लिए जाता है यार, वो 12-13-14 घंटे भी मेहनत करने के लिए आप लोग तैयार होते हैं, ओवर टाइम मिल जाए, थोड़ा पैसा ठीक मिल जाए तो मजदूरी बन जाए। जी हाँ, कहीं ना कहीं ये भी लालच होता है, 8 घंटे में अपने को $2,000 मिल रहे हैं, अगर इसके पास अपन 3 घंटे रेगुलर 1 महीने काम करेंगे तो ये $1,000 दे रहा है, तो उससे 1.5 गुना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है ना यहाँ पे। जी हाँ, तो ये देखिए, ये इसको देखते आपको ये कैसे होगा बता दूं। वीआई का जो बता दूं रोजगार कानून है 1980, जी हाँ, वीआई का जो रोजगार कानून उस 1980 एक्ट 8 में ये प्रावधान कर दिया गया था कि भाई आप पार्ट टाइम की शुरुआत कर सकते हैं। और शुरुआत कब से हुई थी, 2018 में एक मंत्रिमंडल एक स्तरीय एक डिग्री हुई थी। जी हाँ, डिग्री मतलब एक कानून पास हुआ था, कानून को कानून नंबर दिया गया 31। जी हाँ, उसके प्रावधान में आप पार्ट टाइम जॉब के कर सकते हैं, ऐसा कोई उसमें प्रावधान अलग से किया गया है, लेकिन उसमें सैलरी का डिसाइड नहीं हुआ। आप अभी बोल सकते हैं कि तनख्वाह कितनी मिलेगी, पार्ट टाइम जॉब में अधिकतम और मिनिमम मैक्सिमम तनख्वाह डिसाइड नहीं हुई, लेकिन हाँ पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं ये बिल्कुल हुआ था वहां पे। जी हाँ, 2018 मंत्रिमंडलीय डिग्री कानून की ये मैं बातें बता रहा हूं। जी अब मान लीजिए इसके मैन नियुक्त है, इसके पास आपको 8 घंटे ड्यूटी करनी है, हक तो ये भी बनता है, सही बात है, इसको 8 घंटे ड्यूटी से मतलब है, उसके बाद आप कहां काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन ये इधर जैसे आप काम करने की सोचते हैं तो ये आपके टांग अड़ाने की सोचता है, इसको लगता है यार ये तो पैसा कमा रहा है। आप ये रोक तो नहीं सकता आपको, क्योंकि 2018 में कानून बन गया पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, लेकिन ये फिर आपके इसके मन में है ना गड़बड़ होने लग जाती है। ये आपको कम तनख्वाह देने की सोचेगा, तनख्वाह नहीं देने की सोचेगा, ये आपको ये बोलेगा कि उधर से आप ज्यादा पैसा कमा रहे हो, मैं आपको आधी तनख्वाह दूंगा, जॉब नहीं दूंगा, ऐसी स्थिति हो जाती है। लेकिन अगर देखा जाए तो आप पार्ट टाइम जॉब जिसके साथ में कर रहे हो उसके इसके साथ में आपको अग्रीमेंट करना पड़ेगा। जी हाँ, लीगल अग्रीमेंट होगा, 2-3 घंटे पर डे काम करूंगा, इतनी तनख्वाह वगैरह जो भी है आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा। जी हाँ, अग्रीमेंट होगा मोरे द्वारा पंजीकृत। जी हाँ, ये भी नहीं, मोरे द्वारा पंजीकृत आपका अग्रीमेंट होगा और आप जॉब कर सकते हैं प्राइवेट में। अब मूल जो नियुक्ता है ना उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, उसको भी अपने अग्रीमेंट, इसके साथ भी आपका अग्रीमेंट हुआ है 2-3 साल का, उसमें आपकी तनख्वाह वगैरह सब है, उसको बस उसी का पालन करना चाहिए, उनकी सैलरी, उनकी जॉब, समय पे बोनस वगैरह देना, सब कुछ उसकी जिम्मेदारी होती है, फर्स्ट आपका नियुक्ता है उसकी। बाकी सेकंड आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं मोरे के अनुमोदित, जो आपका पंजीकृत जो रजिस्टर जिसको बोल सकते हैं अग्रीमेंट है उसके हिसाब से। तो आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अगर आप ऐसा कोई जॉब कर रहे हैं और आपके पास समय है और पहली वाली कंपनी के पास ओवर टाइम नहीं है और आप अलग से पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, तो बता दूं 2018 का जो मंत्री स्तरीय डिग्री संख्या 31 है उसके तहत में ये जॉब आप कर सकते हैं। समझ में आ गई होगी बात आपको। वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।